गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 10th of June 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं क्या रहेगा आज के पेपर में। तो मानस नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा न्यूज़ है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वन ओन राइनोज, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं कि आसाम के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हमारे पास हैं। तो ये हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 3 से एक अच्छा टॉपिक कवर हो जाएगा। इंटरपोल के बारे में बात करेंगे क्योंकि आजकल थोड़ा सा न्यूज में है, तो इसीलिए हमें थोड़ी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वगैरह होती है ना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लेता है, तो थोड़ा इंटरपोल के बारे में जानेंगे और ये क्यों न्यूज में है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में जानेंगे, हर साल रिलीज होती है और हर साल ही हम इसको करते हैं, तो इस बार फिर से रिलीज हुई है और इंडिया की कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, IITs हैं जिन्होंने इम्प्रूव किया है, तो उसके बारे में जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। एजिन आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन है और यूपीएससी में कई बार सवाल सीधा सा पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर प्लेस जो है वो न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था, कहाँ से रिलेटेड होता है, थोड़ा बहुत पूछ लेता है, तो थोड़ा सा मैप देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि ये लोग भी वही कर रहे हैं जो अमेरिका कर रहा है, और ये सारे का सारा किस लिए हो रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो बताऊंगा आपको पूरा मामला क्या है। पेटेंट लॉज एंड द इंडिया, ये है आज का एक्सप्लेनर सेक्शन जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपको बताऊंगा मैं कि पेटेंट का मतलब क्या होता है, इंडिया में पेमेंट के रिगार्डिंग कौन कौन से कानून हैं, और भैया WTO का इसमें क्या रोल है, और अमेरिका इंडिया के साथ इसके बारे में क्यों पंगा लेता है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होती है, एवरग्रीनिंग क्या होती है, कुछ टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा। इंडिया पाकिस्तान टाइज के बारे में बात करेंगे, इंडस रिवर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। रिपीटेड सा टॉपिक रहेगा लेकिन आज का एडिटोरियल है ये, तो और कुछ खास मुझे लगा नहीं था, तो आई थॉट के चलो इसको ही कर लेते हैं, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ MCQs हम लोग करके आज लेके आए हैं और वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो। तो दोस्तों ये सब हम लोग करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं सीधा आज की न्यूज पे। राइनोज री इंट्रोडक्शन अ हिट इन आसाम रिजर्व। देखिए ये इंट्रोडक्शन नहीं बोल रहा है, रीइंट्रोडक्शन बोल रहा है, मतलब पहले इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी दोबारा से किया जाना है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पे मानस नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे हम लोग कुछ वन ओन राइनोज को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं दोबारा से। कहां से इंट्रोड्यूस करेंगे? काजीरंगा से और पोबित्रा से। देखिए हम लोगों ने इंडिया राइनोज विजन चलाया था 2006 के अंदर, ये सब आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। उस समय हम लोगों ने काजीरंगा से और पोबित्रा से कुछ राइनोज को वहां पे इंट्रोड्यूस किया था। अब समस्या पता क्या है? समस्या ये है कि मानस के अंदर अभी जो है 40 के लगभग राइनोज पाए जाते हैं जिनकी एज भी अच्छी खासी है, मतलब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़िया है। इसका मतलब यह है कि मानस के अंदर राइनोस के सर्वाइव करने की कंडीशन काफी बेटर है, लेकिन एक समस्या है, वहां पे जो है न्यू बोर्न नहीं है, बूढ़े बूढ़े हैं सब, यंग नहीं है, समस्या ये है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ यंग राइनोस को काजीरंगा से और पोबित्रा से मानस के अंदर रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में भी उनकी पॉपुलेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सके, राइट। और भैया ये कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और 1990 में इसको हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। कुछ थोड़ा बहुत आपको लोकेशन दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पे। इससे पहले भी आसाम के नेशनल पार्क जिसका नाम है ओरांग नेशनल पार्क, ये काफी ज्यादा न्यूज में था। वैसे पहले इसका नाम जो है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क हुआ करता था, अभी सरकार ने इसके आगे से राजीव गांधी को हटा दिया और ये खाली ओरांग रह गया क्योंकि सरकार ने इसके कुछ एरियाज को एक्सटेंड किया था। ये टॉपिक हम लोग पहले भी कर चुके हैं काफी। क्यों किया था? क्योंकि सरकार चाहती थी कि वहां पे जो घड़ियाल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। देखिए ओरांग को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, ठीक है। इसको 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, 1999 में इसको हम लोगों ने नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। कुछ लोकेशन आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 7 नेशनल पार्क, काजीरंगा, ये है हमारा नामेरी, इधर आपका ओरांग, ये है आपका मानस, ठीक है। इधर आगे रेमोना, दिहिंग पटकई और दिब्रू सिकोहा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा तो कुछ कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल दी है, जो खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब मेजर टॉपिक तो हमारा यही था ऊपर वाला, वो तो मैंने पुरानी स्लाइड जो थी हमारे पास वो मैंने डाल दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा।
वहां से जाके आप इसको डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, काजीरंगा काफी पॉपुलर है और मानस की थोड़ी सी न्यूज थी। खैर आगे बढ़ते हैं। सीबीआई मूव्स इंटरपोल टू मूसेवाला मर्डर केस। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब के अंदर काफी फेमस सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, और उनका मर्डर हुआ अभी। तो उनके मर्डर के चक्कर में जो है एक गोल्डी बरार करके एक बदमाश है जो कि कनाडा में यूएसए में रहता है, तो उसके खिलाफ भैया एक नोटिस दिया है सीबीआई ने। किसको दिया है? इंटरपोल को दिया है। कहीं आपने देखा होगा 1970s और 80s की फिल्में हुआ करती थी, उसमें इंटरपोल का बहुत यूज होता था। इंटरपोल ने नोटिस निकाला है, बड़ा भोकाल होता था उस समय इंटरपोल का। आजकल काफी कम सुनने को मिलता है इंटरपोल के बारे में। बेसिकली इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस इसका मतलब होता है। तो इसमें क्या होता है, दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं, 194 जो मेंबर कंट्रीज हैं इंटरपोल की, वो आपस में कोऑपरेट करते हैं। किसी को पकड़ना होता है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, उन सारी चीजों के बारे में। तो ये एक इंटरनेशनल पुलिस है, और हर कंट्री के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, अपना इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बना रखा है। जैसे इंडिया में सीबीआई है तो वो इसका काम करती है। तो उनके खिलाफ जो है नोटिस निकाला है, फ्रांस के जो है लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कई तरह के नोटिस होते हैं, एक रेड नोटिस होता है, ब्लू नोटिस होता है। आपके लिए मैंने एक अलग से वैसे स्लाइड डाल दिया है। जो रेड नोटिस होता है ये थोड़े समय पहले जो है मेहुल चौकसी के अगेंस्ट में लगाया गया था, जो कि वांटेड पर्सन होते हैं। येलो नोटिस के अंदर जो है मिसिंग पर्सन के अगेंस्ट में होता है। पर्पल नोटिस जो है वो मोडस ऑपरेंडी होता है। ग्रीन नोटिस मतलब वार्निंग वगैरह देना रहता है, इंटेलिजेंस वगैरह शेयर करनी होती है, कहीं पे कुछ अटैक हो रहा होगा या कुछ उस तरह की चीजें रहती हैं। तो ये थोड़ा बहुत इंटरपोल नोटिस के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो ये जो गोल्डी ब्रॉड है भैया, इनके अगेंस्ट में जो है अभी रेड नोटिस निकला है। कौन सा निकला है? रेड नोटिस मतलब इनको अरेस्ट करिए जल्दी से जल्दी और इनको इंडिया में भेजिए। अब वो पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे वो बात की बात है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आईआईएससी बेंगलुरु टॉप इंडियन वार्सिटी। वार्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो आप वार्सिटी भी बोल सकते हो, यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हो। तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है इस समय आया है 2023 के लिए, 2023 के लिए आए, 2022 के लिए नहीं। इसमें जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विच इज इन बेंगलुरु, इसको टॉप रैंकिंग मिली है। ठीक है, क्या मिली है? टॉप रैंकिंग मिली है। और अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूं, देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है ये बेसिकली कुछ खास पैरामीटर के बेसिस पे रैंकिंग प्रोवाइड कराती है। एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, सिटेशन पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह पैरामीटर के ऊपर निकालती है। इस समय जो रैंकिंग निकाली है आप उसमें क्लियरली देख सकते हो, 177 नंबर पे क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, 185 पे जो है आईआईटी दिल्ली, 186 पे आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, ये जो है पिछले साल का था। इस साल जो है इसने 31 प्लेसेस जो है इंप्रूव किया है, और भी इसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे तो 41 इंडियन यूनिवर्सिटीज बेसिकली इन्होंने यहाँ पे डाली हैं, जिनमें से 12 यूनिवर्सिटी ने इम्प्रूव किया है, 12 यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेबल रही हैं, और 10 यूनिवर्सिटी ने बेसिकली एक्चुअली यहाँ पे डिक्लाइन किया है। ठीक है, आईआईसी का कौन सा स्टेटस है? 155th, जो कि पिछले साल कितना था आप यहाँ पे देख सकते हो, 186 था। इस बार इसने इम्प्रूव करके जो है 155 पे वो लेके आया है। उसके अलावा आईआईटी बॉम्बे वगैरह का आपने यहाँ पे देख ही लिया है। ठीक है, उसके अलावा और देखिए जरा यहाँ पे क्या इन्होंने बताया हुआ है, आइए इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, जो टॉप रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इंडिया में। ठीक है, और उसके अलावा मणिपाल एकेडमिक हायर एजुकेशन है और एमिटी यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पे रखा गया है टॉप 700 और 800 के बीच में। उसके अलावा अमृता विश्व विद्यापीठ को जो है बेस्ट परफॉर्मिंग लोकल इंस्टीट्यूट मिला है फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी, जैसा कि उस 6 पैरामीटर के अंदर दिया हुआ था, तो उसके अंदर ये टॉप नंबर पे आई है। एमिटी यूनिवर्सिटी को टॉप रैंकिंग दिया गया है, किस केस में? इंटरनेशनल स्टूडेंट को, स्टूडेंट के इंक्लूजन के केस में, क्योंकि वो भी एक पैरामीटर यहाँ पे होता है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे डेफिनेटली दे सकते हो। आईआईटी गुवाहाटी, रुड़की, मुंबई वगैरह, इन्होंने यहाँ पे रिसर्च के मामले में काफी अच्छा स्कोर किया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, इसने टॉप 100 out of 100 इसने किया है, किस केस में? सिटेशन बाय द फैकल्टीज, तो उसमें 100 out of 100। तो ये है ना हमारे पूरे पैरामीटर्स। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, चौथे नंबर पे, इसमें 100 out of 100 नंबर आए हैं आईआईएससी बेंगलुरु के। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको ये देना था मुझे हिंट सा,
बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। लिए खास है जो हम लोग अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से ज्यादा पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज को लेकर कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंट स्कीम्स, ये आपको पता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट एंड उच्चतर आविष्कार योजना UAY, ठीक है। इन चारों के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ये पहले वाली स्कीम थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने नोट्स के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को ऐड जरूर करें और इसके बारे में थोड़ा और पढ़ें। और क्योंकि थोड़ा सा जब इसको इशू किया गया था एक थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी रहा था, क्योंकि उस समय सरकार ने रिलायंस एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट था उसको जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया था, जबकि उसकी कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई थी, बिना बने ही उसको दे दिया गया था, तो जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी रही थी। आप थोड़ा इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, तो सजेस्ट करता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आता है इज टाइंग द नोट वे टू अनटैंगल इवन ग्रीवियस केसेस। देखिए वैसे तो कुछ खास आर्टिकल नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा हम लोग हम इस पर थोड़ा बहुत कमेंट कर सकते हैं। देखिए इशू ये है कि अभी जो है एक इशू तमिलनाडु के अंदर चल रहा था, कुछ समय पहले केरला से एक यहाँ पे केस आया था, उसमें हुआ ये कि एक आदमी ने दूसरे का मर्डर कर दिया, ठीक है। मर्डर करने बाद वो केस चला गया मद्रास हाई कोर्ट में। अब केस मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है लेकिन वो दोनों पार्टी थी, मतलब मरने वाले की पार्टी के फैमिली वाले और मारने वाले की फैमिली वाले दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है, बातचीत किया जो भी हो उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब ये मामला मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि सर हमारा आपस में फैसला हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो जो कन्विक्ट है जिसने मर्डर किया है प्लीज आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, और मद्रास हाईकोर्ट को भी बोलिए कि ये इनोसेंट है क्योंकि हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही किया, आर्टिकल 142 का यूज करके उसको बोल दिया कि आप जाइए आराम से अरेस्ट करिए, मतलब उसको छोड़ दिया बेसिकली। एक ये केस था, उसके अलावा एक केस और आया था वो भी तमिलनाडु से था, उसमें क्या हुआ एक आदमी ने अपनी नीस को अपनी भांजी को उसको सेक्सुअली असोल्ट किया। जब ये मामला कोर्ट में गया तो उसको जेल में डाल दिया गया। थोड़े समय के बाद पता चला कि उस आदमी ने अपनी नीस के साथ शादी कर ली, क्योंकि सदर्न स्टेट्स के अंदर यूजली ऐसा होता है आप अपनी भांजी के साथ और मामे के बीच में शादियां होती रहती हैं, राइट। तो उन्होंने भी कोर्ट को अप्रोच किया कि देखिए भैया हमारी तो शादी हो चुकी है, हमारा फैमिली खराब हो जाएगा, अब तो ये हस्बैंड वाइफ हैं तो आप इनको छोड़ दीजिए। ऐसे और भी कई केस यहाँ पे आते रहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी एक ऐसा ही केस आया था जिसमें एक आदमी ने एक औरत को सेक्सुअली असोल्ट किया था और उसको जब कोर्ट में केस चल रहा था तो उसने राखी बंधवा लिया, उससे राखी बंधवा ली और वो केस रफा दफा हो गया। इवन एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर बोबड़े SA Bobde ने एक लॉयर को कहा था, उसमें भी एक वही केस आया था फिर से रेप का और सेक्सुअल असोल्ट का केस आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या है उनसे शादी करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था मिस्टर SA Bobde को। तो इस तरह के जब केस आते हैं तो उसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और इसके लिए कोई प्रेसिडेंस नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि पहले कोर्ट ने ऐसा बोला था तो आगे भी ऐसा ही होगा, नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सभी हाई कोर्ट्स को ये बोला है कि केस टू केस बेसिस पे आप इस तरह की चीजों को देखिए, एक कोर्ट के फैसले को आप पूरे इंडिया में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से यार जो मोलेस्टर होंगे, देखिए आपने पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा है ना, कोई जो गुंडा होता था या कोई भी आदमी किसी का रेप करता था उससे शादी कर लेता था, कोर्ट बोलता था जाइए आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है। ये गलत है ना, ये तो पैट्रियॉर्कल माइंड सेट है, ये तो एक औरत को एज अ ऑब्जेक्टिविटी और मैस्कुलाइन सोसाइटी को प्रमोट करता है ना, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए डेफिनेटली। आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातें जरूर बताइए। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कई बार जेल वगैरह से बचने के लिए इस तरह की चीजें कर लेते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है कुछ खास केसेस में ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। डीमिलिट्राइज एगन आइलैंड्स, ऐसा कहा है एडोजन ने, एडोजन जी कौन आपको पता ही है, ये टर्की के प्रेसिडेंट हैं भैया। और इन्होंने देखिए टर्की का पंगा चलता है हमेशा ग्रीस के साथ, टर्की का पंगा चलता है, हालांकि दोनों नाटो कंट्री हैं बट फिर भी इनके आपस के बीच में काफी झगड़े हैं, खासकर देखिए इनके बीच में पड़ता है एजियन सी, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। एजियन सी के ईस्टर्न साइड में है टर्की और वेस्टर्न साइड में है ग्रीस, और ये जो छोटे छोटे आइलैंड आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये है एजियन आइलैंड जिनका बोलते हैं।
हालांकि ये आइलैंड जो है पहले टर्की के अंडर में हुआ करते थे, बाद में टर्की ने इनको ग्रीस को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब ये ट्रांसफर किया था तो उस ट्रीटी के अंदर ये कहा गया था कि ग्रीस जो है इनको किसी भी हालत में मिलिटराइज नहीं करेगा, ये हमेशा डीमिलिटराइज रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, धीरे धीरे ग्रीस जो है इन आइलैंड्स को मिलिटराइज कर रहा है, क्योंकि इस पूरे एरिया के अंदर काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं और ग्रीस जो है वो उनको एक्सप्लोइट करना चाहता है। तो टर्की ने भैया ग्रीस को दिया धमकी और ये कहा है सीधा सीधा कि आप जो है अपनी हद में रहिए, अगर आप इसको मिलिटराइज करोगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। इनके बीच में इशू चल रहा है। तो थोड़ा बहुत लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि एजियन आइलैंड यहाँ पे है, इसके ऊपर जो है वो थ्रेशियन सी हमारा आता है, नीचे आता है सी ऑफ क्रीट, इधर आता है टर्की, इधर आता है ग्रीस, कुछ कुछ लोकेशन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सी ऑफ मरमरा भी है जो टर्की के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोकेशन है बस, और इसमें कुछ खास है नहीं करने लायक, बाकी आपको हिस्ट्री विस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है इसकी। आगे बढ़ते हैं, ईसीबी गियर्स अप टू रेज रेट्स टू फाइट इन्फ्लेशन। ईसीबी मतलब यूरोपियन, इसका मतलब है यूरोपियन जो जो सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। देखो थोड़े समय पहले, मतलब अभी भी हो रहा है, आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट को राइज कर दिया, ईसीबी ने भी कर दिया, है ना, जो अमेरिका का फेडरल बैंक है उसने भी राइज कर दिया। तो सारे के सारे बैंक आजकल भैया इंटरेस्ट रेट हाई करने में क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि सभी का एक ही कॉमन कंसर्न है, वो है इन्फ्लेशन, है ना। चाहे आप फूड इन्फ्लेशन की बात करिए, चाहे आप क्रूड इन्फ्लेशन की बात करिए, है ना, चाहे आप ऑयल वगैरह की बात करिए, इन्फ्लेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन को टैकल करने का एक ही तरीका है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दो, बिल्कुल। और ये तरीका एक्चुअली अमेरिका में, यूरोप में काम भी करता है, तो इस समय उन्होंने यही किया। देखिए होता क्या है, पिछले 10 साल से यूरोप के अंदर जो इंटरेस्ट रेट थी वो लगभग 0% थी। मतलब आप बैंक में जाइए, लोन लीजिए, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना है, 0% ईएमआई पे आप आराम से काम कर सकते हो। तो भैया जब 0% ईएमआई होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक में जाएंगे, कोई कार लोन लेगा, कोई होम लोन लेगा, कोई मैरिज लोन लेगा, जिसमें मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो इकोनॉमी ग्रो करती है। ये सिंपल सा फंडा हुआ करता था यूरोप में और अमेरिका में। लेकिन अभी क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग मार्केट से मनी सप्लाई को रिड्यूस करने वाले हैं, और इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना। तो जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो लोन होता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, और भैया एक्सपेंसिव चीज़ें कोई क्यों खरीदेगा, क्यों लोन लेगा, इसीलिए जो है मनी सप्लाई कम हो जाती है, ऐसा वो लोग कर रहे हैं। और ये सब किया जाता है किसके द्वारा, बॉन्ड के द्वारा। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट ऐसा कैसे कर सकती है, किसी की जेब से पैसा कैसे निकाल सकती है, बिल्कुल निकाल सकती है भैया, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ होता है। जैसे बॉन्ड्स, बॉन्ड जैसे पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इस बॉन्ड का यूज करती है पैसे को अरेंज करने के लिए, बेसिकली बोरो करने के लिए यूज करती है। तो जब ये बॉन्ड पब्लिक के पास जाता है, ठीक है, तो पब्लिक सरकार को पैसा देती है, और जब पब्लिक सरकार को पैसा देती है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, जब ये बॉन्ड लोगों से मतलब इन्वेस्टर से सरकार के पास जाता है तो सरकार बदले में लोगों को पैसा देती है। तो बेसिकली मनी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जिसके हाथ, मान लो मैंने, मेरे पास बॉन्ड आया, मैंने सरकार से बॉन्ड लिया तो सरकार को बदले में मैं पैसा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर सरकार ने मुझे बॉन्ड दिया तो मैं बदले में पैसा दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं सरकार से बॉन्ड लूंगा तो मैं सरकार को पैसा दूंगा, और सरकार मुझसे बॉन्ड लेगी तो वो मुझे पैसा देगी। तो ये जो है इस तरह से सिस्टम चलता रहता है, और ये मनी सप्लाई का यूज होता है, ये हर कंट्री में यूज होता है। आरबीआई ने भी अभी यूज कर रहा है, रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, फेडरल जो बैंक है अमेरिका का उसने भी इंक्रीज कर दिया, अभी यूरोप वालों ने भी इंक्रीज कर दिया। तो सभी का एक ही दुश्मन है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के पीछे सबसे बड़ा जो कारण आज नजर आ रहा है वो है रशिया यूक्रेन क्राइसिस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, द इंडियन पेटेंट रिजीम एंड इट्स क्लैश विद द यूएस नॉर्म्स, ठीक है। यहां से जो है हम लोग एक सवाल बना सकते हैं अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आप लिख सकते हो व्हाट इज पेटेंट रिजीम, ठीक है, डिस्कस द पेटेंट रिजीम ऑफ इंडिया एंड इश्यूज रिलेटेड विथ
वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, सजेस्ट सम सॉल्यूशन। अगर नहीं भी लिखूंगा तो सॉल्यूशन तो आपका तब भी सजेस्ट करने ही होते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हो तो ऑब्वियस ही बात है, अंडरस्टूड है कि भैया उसका सॉल्यूशन तो आप बताओगे, है ना। तो यह मेंशन कर सकते हो, सिंपल सा भी लिख सकते हो, डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड विद द पेटेंट रिजीम ऑफ इंडिया विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक आर्टिकल हमारे पास एक्सप्लेनर सेक्शन है। तो क्या होता है पेटेंट, क्या होता है इंडिया का पेटेंट रिजीम, क्या है अमेरिका के साथ हमारे पंगा क्यों चलता है, WTO का यहाँ पे क्या रोल है, ये थोड़ा सा आपको मैं बताता चलता हूँ। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेटेंट का मतलब क्या होता है। पेमेंट का मतलब, पेटेंट का मतलब जैसे वैसे इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से बता रखा है। पेटेंट का मतलब ये दोस्तों ये होता है कि जब आप किसी चीज की डिस्कवरी करते हो, ठीक है, आप जब किसी चीज की डिस्कवरी करते हो, उसको बनाते हो, इनोवेट करते हो, तो वो प्रोडक्ट जो होता है या वो जो प्रोसेस होती है, ठीक है, आपके अलावा उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे मान लो मैंने अपने दिमाग का यूज करके एक टेक्नोलॉजी बनाई, मैंने टेक्नोलॉजी बनाई अपने दिमाग का पूरा यूज करके, और वो टेक्नोलॉजी क्या है कि एक तरफ से मैं आलू डालूंगा और दूसरी तरफ से गोल्ड निकल के आएगा। मान लो मैंने ये टेक्नोलॉजी बना दिया, ठीक है, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकल के आएगा। अब ये टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय WTO ताकि कोई और आदमी इस टेक्नोलॉजी का यूज ना कर सके, और अगर वो यूज करे तो भैया उसके लिए मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और बिना परमिशन लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया तो उसके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से जब आप कोई चीज को डिस्कवर करते हैं तो आप उसको पेटेंट करा सकते हो, और जब पेटेंट कराते हो तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने दिमाग का यूज करके बनाई है ना, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो ये सब चीजें की जाती हैं WTO के अंडर में, ठीक है। अब बात ये है कि चलिए वो तो चलो ठीक है किया जाता है, पर इंडिया के साथ ऐसा क्या पंगा चलता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि USA का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में IP प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है, वो रिसर्च वगैरह करती है। इसने बेसिकली 6 कंट्री को कंसर्न वाली सिचुएशन में रखा है, अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, वेनेजुएला, और आप साथ में इंडिया को भी इंक्लूड कर सकते हो। बहुत ज्यादा कंसर्न में तो नहीं रखा है लेकिन फिर भी उसने वॉच लिस्ट में रखा है। बेसिकली USA का ये कहना है कि ये जितनी भी कंट्री हैं वो पेटेंट को कॉम्प्रोमाइज करती हैं, मिसयूज करती हैं। इंडिया के बारे में कौन कौन से कंसर्न इसने उठाए हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात इन्होंने ये कहा कि भैया इंडिया का जो पेटेंट जो प्रोटेक्शन लॉ है ना वो कंसिस्टेंट है ही नहीं, हर 2-4 साल के बाद चेंज हो जाता है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि कंसर्न अबाउट व्हाट कैन बी पेटेंटेड, अब इंडिया में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया जो चीज अमेरिका में बहुत इजीली पेटेंट हो जाती है इंडिया में उसको हम लोग पेटेंट करते ही नहीं है। अमेरिका में पेटेंट कराना इतना ईजी है, मान लो आप जो है कोई दवाई आपने कंज्यूम करी, ठीक है, और वो दवाई मान लो आपने हेडेक के लिए कंज्यूम किया, ठीक है, हेडेक का हो गया, ठीक है, बाई चांस मान लो उस हेडेक की दवाई खाने से कुछ और भी अगर आपको चीज ठीक होती हो, मान लो आपको कोई घाव है वो ठीक हो गया, हेडेक के लिए तो था ही, अब वो घाव भी ठीक कर रही है तो उसको भी पेटेंट करा सकती हो। इतना ईजी होता है वहां पर पेटेंट कराना। जैसे आप हल्दी लेते हो, है ना, हम दूध में डाल के हल्दी लेते हैं जिससे कमजोरी दूर हो जाती है। अब हल्दी के हो सकता है कुछ और भी बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, तो जितने बेनिफिट आपको हल्दी के मिलेंगे ना उतनी ही बार आप हल्दी को पेटेंट करा सकते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया के जो रूल है भैया थोड़े से सख्त है। दूसरी बात, इंडिया में पेटेंट कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी तो कर रही है यहाँ पे, है ना, बाबू लोग फाइल को आगे भेजते ही नहीं है, वो बड़ी बात है, और बर्डन सम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, डाउट अबाउट द डेटा सेफ्टी, वो भी बड़ी समस्या है इंडिया में। अब वो तो उन्होंने बता दिया इंडिया का पेटेंट रिजिम क्या है, मतलब इंडिया में पेटेंट के बारे में क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो इंडिया पेटेंट एक्ट है 1970, इसके तहत हम इसको करते हैं। फिर बाद में 1995 में हम लोग जो है WTO का मेंबर बन गए। WTO में जो है ट्रिप्स अग्रीमेंट जिसको बोला जाता है, ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो बेसिकली इंश्योर करते हैं कि सारी की सारी दुनिया में पेटेंट के रिगार्डिंग चीजें प्रोटेक्ट होनी चाहिए। अब आप ये बात समझ लीजिए, जैसे एप्पल का एक मोबाइल है, ठीक है, एप्पल के मोबाइल में अब ये समझ लीजिए कम से कम, ज्यादा तो नहीं, 1500 से लेके 2000 प्रोडक्ट ऐसे हैं एप्पल के डिवाइस में जो कि पेटेंटेड हैं, मतलब जिन्होंने भी उस चीज को डिस्कवर किया होगा, इतने पेटेंट हैं इसके अंदर। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट मैं एक रफ टफ सा ले रहा हूं। अब हो गया क्या कि मान लो ये मोबाइल इंडिया में आया,
और इंडिया की कोई कंपनी ने एप्पल का मोबाइल खोला और उसके जितने प्रोडक्ट हैं उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया, और रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद एक और अपने उसी के जैसा मोबाइल हमने यहाँ पे भी बना दिया, ठीक है, एप्पल की जगह हम लोगों ने मैपल बना दिया उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट। इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है वो प्रोटेक्ट की जाती है WTO के अंदर, और ये इलीगल होता है, राइट। और इंडिया क्योंकि WTO का पार्ट है तो इसलिए इंडिया को ये चीजें रिस्पेक्ट की करनी चाहिए। इंडिया WTO के अलावा और भी कई सारी ट्रीटी का पार्ट है, जैसे बर्न कन्वेंशन, बुडापेस्ट ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन और पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, इंडिया इनका भी मेंबर है। इसके हिसाब से इंडिया में पेटेंट एक्ट काफी सख्त होने चाहिए थे, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, खासकर फार्मास्यूटिकल्स में। इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है ना, एक्चुअली जो ओरिजिनल पेटेंट एक्ट है वो फार्मास्यूटिकल को इंक्लूड ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसके रीजन आपको पता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी गरीब जनता को सस्ती दवाइयां मिले, इसलिए हम लोग उसको नहीं करते हैं। फिर हम लोगों ने बाद में जो है पेटेंट एक्ट 2015 में पांच में हम लोगों ने अमेंडमेंट किया ताकि हम लोग ट्रिप्स के साथ उसको अलाइन कर सकें। फिर भी यहाँ पे जो सबसे कंट्रोवर्शियल है वो है Article 3D ऑफ इंडिया पेटेंट एक्ट। ये क्या कहता है Article 3D? ये कहता है कि भैया अगर कोई कंपनी, कोई इंसान किसी नॉन सब्सटेंस का नया प्रॉपर्टी डिस्कवर करता है तो उसको हम लोग पेटेंट नहीं करेंगे। जैसे आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, वही फार्मास आप जो है किसी दवाई का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हल्दी का ही आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने हल्दी या किसी भी प्रोडक्ट का, हल्दी का एग्जांपल ले रहे हो तो इसको ही मानेंगे, मान लो उन्होंने क्या कहा कि भैया हल्दी से जो है वो वीकनेस दूर होती है, हल्दी खाओ वीकनेस दूर हो जाती है। अब उसने जो है इसके नाम पे उसको पेटेंट करवा लिया। अब मान लो ये पेटेंट 20 साल के लिए था, अब 20 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। फिर वो कंपनी क्या करती है, मान लो कंपनी ABC हल्दी की ही एक और प्रॉपर्टी खोज लेती है, और ये कहते हैं कि हल्दी को स्किन के ऊपर लगाने से हमारी स्किन जो है चमक जाती है। अब उसको भी पेटेंट उन्होंने करवा लिया। उसके 20 साल बाद क्या होगा, ये कहेंगे कि हल्दी को घाव पे लगाने से आपके घाव भी भर जाते हैं, तो इन्होंने नया प्रॉपर्टी खोज लिया। इसे कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। कंपनी ऐसा करती हैं, जैसे ही पेटेंट ओवर होने लगता है कुछ ना कुछ जो है नया खोज लेती हैं उसकी प्रॉपर्टी को। इंडिया कहता है कि नहीं भैया, हम इसको नहीं मानेंगे। किसी नॉन सब्सटेंस का कोई नया प्रॉपर्टी खोज लेते हो तो उसको हम लोग इंडिया में अलाउ नहीं करेंगे। और ये सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल है, हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भी इसको कई बार सपोर्ट किया गया है, हर जगह इसको सपोर्ट किया गया है। ये बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री, पुअर कंट्रीज को सपोर्ट करती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, वो इंडिया में एवरग्रीनिंग नहीं कर पाती, और हम अपनी लोकल देसी कंपनीज को लाइसेंस दे देते हैं दवाई बनाने के लिए, जिसे कहा जाता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। जैसे मान लो AstraZeneca है ना, इसकी जो कोविड की वैक्सीन बना रही है, अब AstraZeneca के पास जो है पेटेंट है कोविड की दवाई बनाने का, बट इंडिया जो है हमारी देसी कंपनी को लाइसेंस दे सकती है विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम AstraZeneca, जिसे कहा जाता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ये इंडिया क्यों देता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए देता है। आप ये समझ लीजिए कि नोवार्टिस एक कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है नोवार्टिस, उसकी जो कैंसर की दवाई है, अगर आप उसके एक महीने की कैंसर की दवाई लोगे ना तो आपको 1.5 लाख रुपए की पड़ती है, लेकिन वही सेम फॉर्मूला अगर इंडियन देसी कंपनी बनाती है तो वही दवाई आपको जो है 20,000 की मिलती है, इवन इससे भी कम मिलती है। इंडिया इसको कहा जाता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, जो कि हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करते हैं। और ये दवाइयां जो है बहुत सारी अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्री में भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि उनकी पब्लिक तो भैया वहां पे भी है ना, ताकि उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इसीलिए जो अमेरिकन यूरोपियन कंपनीज हैं वो इंडिया को बहुत बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर, मतलब गाली गलौज इन द सेंस के वो क्रिटिसाइज करती हैं हमारे रूल्स को। ऐसे ही कुछ रूल चाइना के अंदर भी हैं कुछ कुछ, और ऐसे ही कुछ कुछ रूल जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर भी हैं, तो ये थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। एन एंड्योरिंग अग्रीमेंट ब्रिजिंग इंडिया पाकिस्तान टाइज, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत रिवाइज हम लोग कर लेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में है बेसिकली, कब हुई थी, 1960 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी और आयूब खान जी के बीच में हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएशन पूरे का पूरा करवाया था, और इसमें होता क्या है, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। वॉइस में यह था कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं
वो पाकिस्तान के हिस्से में गई थी, और जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है जैसे सतलुज, ब्यास, रावी और यहाँ पे चिनाब, झेलम और इंडस, ये उसके पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इनको यूज नहीं कर सकता, कर सकता है, जैसे इरिगेशन पर्पज के लिए कर सकते हैं या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स वगैरह हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं, राइट, पावर प्रोजेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग करते हैं तो कुछ डिस्प्यूट भी होंगे, सीधी सी बात है। तो वो कुछ डिस्प्यूट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे किशन गंगा है ना, हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है, झेलम रिवर के ऊपर बेसिकली हम लोगों ने किशन गंगा प्रोजेक्ट चलाया था, किशन गंगा एक अलग से रिवर भी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इसको लेकर पाकिस्तान ने जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया। फिर चेनाब के ऊपर जो है रातले नाम का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट हम लोगों ने लगाया, इसको लेकर भी पाकिस्तान ने जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया। और जब भी दोनों कंट्री के बीच में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम लोग वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड बैंक उसका डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं निकाल पाता तो फिर हम लोग एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर भी जा सकते हैं। तो पहले तो वर्ल्ड बैंक जो है, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक के पास गया, अभी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गया है। इंडिया ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम लोग एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बनाएंगे। न्यूट्रल एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि कोई थर्ड कंट्री जैसे स्विट्जरलैंड से या नॉर्वे वगैरह से, वहां से एक्सपर्ट को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, फिर वो लोग केस की सुनवाई करते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हैं, फिर जो है रेजोल्यूशन निकालते हैं। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने काफी ज्यादा नेगोशिएशन करने के बाद जब बात नहीं बनी तो अभी न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाने की बात कही है, लेकिन अभी ये केस जो है अभी पेंडिंग है, ठीक है। इसके अलावा कई और नए इशू भी सामने आए हैं, जैसे पाकल दुल नाम का अभी एक प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, लोअर कलनाई नाम का प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, कहाँ पे, एक चेनाब की ट्रिब्यूटरी है मुरुसुदर, ये आपको नाम पता होना चाहिए, मुरुसुदर, इसके ऊपर हम लोग ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान ने भी थोड़े समय पहले क्या किया था, फजिल का जो ड्रेन है उसको ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी बढ़ गया था, तो इंडिया ने भी इस इशू को उठाया था, खैर पाकिस्तान ने बाद में इसको सही कर दिया। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भैया जब दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, खासकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमारे पास बातचीत नहीं है, ट्रेड नहीं है, फिर भी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, ये एक ब्राइट स्पॉट के जैसा है ना। हमारे बीच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट हैं, फिर भी हम लोग कम से कम बातचीत तो कर रहे हैं ना, तो क्या लेसन ले सकते हैं हम इंडस वाटर ट्रीटी से। पहली बात तो अग्रीमेंट, देखिए चाहे आप किसी के साथ कितनी मर्जी दुश्मनी हो, कम से कम एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहां पे आप एक दूसरे से बातचीत कर सको। अब बातचीत में चाहे आप एक दूसरे को गाली गलौज करो वो बात अलग है, लेकिन कम से कम प्लेटफॉर्म तो है, बात तो करोगे। अरे बात करेगी तो बात निकलेगी, बात निकलेगी तो सॉल्यूशन निकलेगा, कम्युनिकेशन जरूरी है, चाहे डिफरेंस इतना मर्जी हो। और एक मैच्योरिटी दिखाता है इंडिया और पाकिस्तान की, इतने खराब रिलेशन होते हुए भी आज तक हम लोगों ने इसको मेंटेन किया है। पूरी दुनिया जो है वो इस पूरी ट्रीटी के बारे में हैरान है कि भैया ऐसा कैसे हो रहा है, इतने बड़े दुश्मन और आपस में ट्रीटी को किस तरह से लागू कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए भी लेसन है, इंडिया के लिए लेसन तो है ही। वे फॉरवर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम तक देखिए जब हम लोग साउथ एशिया की बात करते हैं तो जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया है ना, इवन म्यांमार की हम लोग बात करते हैं, तो ये कंट्री जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है हिमालयन रिवर्स के ऊपर, और हिमालयन रिवर के ऊपर जो है क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है फ्यूचर में, और प्रेजेंट में भी हो रहा है। लेकिन अभी तक इन कंट्रीज का कोई ऐसा कंबाइंड रिसर्च नहीं कर रहे हैं लोग ताकि ये क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हिमालय के ऊपर स्टडी कर सके। इंडिविजुअल करते हैं लेकिन कंबाइंड नहीं करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में कंबाइंड रिसर्च वगैरह कर सकते हैं ताकि इसका इंपैक्ट जो है वो स्टडी किया जा सके। उसके अलावा और भी बहुत सारे इशू हमारे बीच में हैं, तो कम से कम इस ट्रीटी को हम लोग एज ए रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं दूसरे इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड में आप थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है क्वेश्चन भी बना सकते हो, ठीक है। आप सिंपल सा लिख सकते हो, डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड विद इंडस वाटर ट्रीटी इन रीसेंट टाइम्स, इन रीसेंट टाइम्स, ठीक है। आप आगे से लिख सकते हो एक्सप्लेन, और सिंपल से ऐसा लिख सकते हो दैट मेंशन द लेसन्स, ठीक है, मेंशंस द लेसन्स दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स,
ठीक है आपसे लिख, या फिर सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो दैट इंडस वाटर ट्रीटी, अगर मैं आपको लिखना लिखाऊंगा एक, हाँ तो आप ऐसे लिख सकते हो इंडस वाटर ट्रीटी इज लाइक अ ब्राइट स्पॉट इन अ वर्ल्ड ऑफ मैसी रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कमेंट, ठीक है 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स. इंडस वाटर ट्रीटी इज लाइक अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड ऑफ मैसी रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये बढ़िया क्वेश्चन बना है, आप इसको बना सकते हो, ठीक है. उसके अलावा कल हम लोगों ने आपसे सवाल पूछे थे, ठीक है. तो पहला सवाल तो यही था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, इसका आंसर हो जाता है 1 and 2. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है. एक्चुअली हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसके अंदर दो तरह के प्रोविजन थे, एक था मैंडेटरी, एक था वॉलंटरी. मतलब वॉलंटरी मतलब ये स्टेट करें तो करें, नहीं करें तो चलेगा, लेकिन मैंडेटरी वाले उनको करने ही पड़ते हैं, ठीक है. वॉलंटरी प्रोविजन कौन कौन से थे, थोड़ा आपको यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है. ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटी टू द पंचायत, ठीक है. हैविंग रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, या फिर जो लोग लोकल MP MLA होते हैं उनको भी वहाँ पे इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, है ना. टू प्रिपेयर प्लान फॉर द सोशल जस्टिस, ठीक है. परफॉर्म सम ऑफ ऑल ऑफ द 29 फंक्शन जो कि दिए हुए हैं, 29 फंक्शन होते हैं ना ग्राम पंचायत के अंडर में, तो ये कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस होते हैं, ठीक है. तो थोड़ा आपको लिस्ट में देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. तो ये जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में था बेसिकली, ठीक है. तो आर्टिकल 280 कंपोजिशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन मे बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको डाउटफुल हो सकता है. कंपोजिशन एक होता है उसको सेटअप करना, सेटअप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है गवर्नर के पास. हर 5 साल के बाद गवर्नर जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन को बना सकता है, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन होगी उसके अंदर कौन कौन मेंबर होंगे वो काम जो है स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है. इसलिए इसका जो है स्टेटमेंट ओनली 1. 280 जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में नहीं, बल्कि हमारे मेन जो यूनियन का फाइनेंस कमीशन होता है उसके बारे में बात करता है, ठीक है. तो थोड़ा आप उसको ये भी देख सकते हो. हु अपॉइंट्स द स्टेट फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 243(1)(a) जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है वो अपॉइंट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल के बाद, ठीक है. क्या फंक्शन होता है इसका, बहुत सारे फंक्शन होते हैं. जैसे इट मे रिकमेंड टैक्सेस लेवाइज एंड द फीस लेवाइड ऑफ द अपॉइंटेड एप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत देमसेल्व्स, ठीक है. ग्रांट इन एड टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, वे टू इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत राज. बेसिकली बात यह है जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ग्राम सभाएं हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज वगैरह हैं, उनको जो भी फाइनेंशियल प्रोवाइड जो है हेल्प प्रोवाइड करवाई जानी है उसके लिए हम लोग स्टेट फाइनेंस कमीशन को करते हैं. पहले ही एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन जब हम लोगों ने 73rd अमेंडमेंट किया उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 243 को इंट्रोड्यूस किया जो कि ये करता है. तो आई जो है वो ग्राम सभा के लिए करता है और जो वाई है वो हमारा म्यूनसिपैलिटी के लिए करता है. ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है. आज के 2 नए सवाल हमारे पास हैं, दोनों के दोनों सवाल जो है हाई कोर्ट के बारे में है. पहला सवाल ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द हाई कोर्ट. दोनों को पढ़िए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. विच प्रोविजंस गारंटी इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट, दोनों सवाल हैं. उसके अलावा जो इस बार पेपर में हमारे सवाल आया था, देखिए सीधा सीधा न्यूज़पेपर से आया था, ये हम लोगों ने क्लास में किया भी था, ठीक है. जनवरी के महीने में किया था मुझे याद है. तो नए सर्किट हाउस की का जो इनोग्रेट किया था मोदी जी ने सोमनाथ टेम्पल की, जब उन्होंने यात्रा की थी, तो सोमनाथ टेम्पल के बारे में ये सवाल था. यहाँ पे कहता है प्राण प्रतिष्ठा ऑफ द सोमनाथ टेम्पल इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल, बेसिकली जो प्रेजेंट डे टेम्पल है इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, प्रेजिडेंट एस राधाकृष्णा, जो कि एक एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बेसिकली इंडिया के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ये किया था, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. और जब राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ पे गए थे उसको लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है. क्योंकि एक इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, मतलब हम लोग किसी भी धर्म को फेवर नहीं करते हैं. तो राजेंद्र प्रसाद जी तो भैया हमारे प्रेसिडेंट थे, तो वो किसी मंदिर के उद्घाटन पे जा रहे हैं, मंदिर में कुछ शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक मैसेज जाता है कि प्रेसिडेंट जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो किसी टेम्पल में कैसे जा सकते हैं ऑफिशियल फंक्शन के अंदर. तो सेकुलरिज्म को थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे थोड़ा काउंटर करता है.
तो उस समय नेहरू जी थे और भी बहुत सारे लीडर थे, उन्होंने भी इस चीज़ को अपोज किया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी फिर भी वहाँ पे गए थे। तो ये थोड़ा पुरानी कहानी है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सोमनाथ टेम्पल जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अल बरूनी जो कि ट्रैवलर थे बहुत बड़े अरब के, उन्होंने भी इनके बारे में अच्छी खासी बातें कही थी। तो दोनों स्टेटमेंट ये हमारी करेक्ट हो जाती है, 1 and 2 ओनली। ठीक है दोस्तों, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आज हम लोगों ने डाले हैं यहाँ पे आपके लिए, आप पढ़ सकते हो। कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल जैसे थाईलैंड जो है वो पहला ऐसा एशियन कंट्री बन गया जिसने मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया है, पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।